तो राज्याभिषेक हमारी खास पेशकश। बिहार चुनाव पर जारी है, आज 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग चल रही है। करीब 8% तक वोटिंग हो चुकी है। अर्ली आवर्स में जो हमारे पास जानकारी आ रही है, लगातार लोग अब बढ़ रहे हैं बूथ पर और वोट डालने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन इस बीच गया से एक बड़ी खबर आ रही है। गया में उम्मीदवार और बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार बीजेपी का लोगो बना मास्क पहनकर मतदान केंद्र पहुंच गए। सिंबल बना हुआ था बीजेपी का उस मास्क पर। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। प्रेम कुमार वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे और उस पर देख सकते हैं आप बीजेपी का सिंबल छपा हुआ है और उनके मास्क पर कमल की तस्वीर बनी हुई है। जबकि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पोलिंग बूथ के आसपास कोई भी पार्टी अपना ना तो चुनाव चिन्ह लगा सकती है और ना ही किसी तरह का चुनाव प्रचार हो सकता है। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रेम कुमार जो कि सीनियर नेता हैं बीजेपी के और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, मौजूदा 7 बार यहां से जीत चुके हैं, वो इस तरह से चुनाव डालने जब गए तो उनके मास्क पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह छपा हुआ था। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस पर बात करेंगे। मेरे साथ यहां पर हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, रामकृपाल जी सीनियर जर्नलिस्ट, असित नाथ तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर नवल कुमार आपको दिख रहे हैं जो कि आरजेडी से हैं, अभिषेक झा जेडीयू से हैं, अंजलि मेरे साथ गया से हैं और रुपेश मेरे साथ बाढ़ से हैं। पहले अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि, गया में ये क्या हुआ जरा बताइए। जब हम प्रेम कुमार से बात कर रहे थे गौरव, तो उस दौरान उन्होंने जो मास्क लगा रखा था, मास्क का कलर भी भगवा कलर का था जो कि बीजेपी का रंग बताया जाता है, चुनाव चिन्ह का ये रंग है। और सिर्फ ना उसमें चुनाव चिन्ह था बीजेपी का, बल्कि बाकायदा उनकी फोटो के साथ उनका नाम, कहां से वो प्रत्याशी है, ये सारी डिटेल्स उस पर मेंशन थी। हम सभी जानते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन ये कहा जाता है, क्योंकि जिस बूथ पर आप अपने लिए ही प्रचार कर रहे इस तरीके से, कहीं ना कहीं इसलिए ये रोका जाता है कि वोटर इससे प्रभावित ना हो जाए। मैंने उनसे पूछा भी था कि ये जो मास्क आपने पहन रखा है ये बड़ा अनोखा मास्क है और आपको पता नहीं है क्या कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैंने यूं ही पहन रखा है, सब पहनते हैं तो मैं भी पहनता हूं। तो ये उन्होंने जवाब दिया था। और जाहिर बात है कि इसको लेकर के अब काफी बवाल होगा, विवाद होगा और हम लगातार ये देखते रहे हैं चुनाव के दौरान कि इस तरीके की मनाही के बावजूद जो प्रत्याशी है या जो पार्टी के कोई खास कार्यकर्ता होते हैं वो पोलिंग बूथ पर जाते हैं, अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाते हैं, चाहे वो बैच लगा करके दिखाए या फिर मास्क लगा करके दिखाए। प्रेम कुमार इतने सीनियर लीडर हैं, 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, कोई नए नेता है और ऐसा भी नहीं कि इनको नियम ना पता हो। बिहार में बाकी उनको ये भी पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन पता मुझे ये पता नहीं है कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। आप मंत्री हैं, आपको सब चीजें पता है, आपके रिपोर्टर ने उनको ये बात बताई भी कि ये गलत है, उसके बावजूद कर रहे हैं। हाँ, तो अब आप ये सब सारी चीजें मुझे लगता है जब पढ़े लिखे लोग इस तरह के जो मंत्री रहे हैं करते हैं, तब जनता सब कुछ देख रही है, इसमें आप जो भी फैसला करेंगे जनता करेगी। लेकिन हर्षवर्धन जी, लगता नहीं आपको, क्योंकि यही सारी चीजें चुनाव आयोग की परीक्षा यही तो होती है कि जब कोई गलत करे तो आप उसको आईना दिखाइए, उस पर कार्रवाई कीजिए। क्या आपको लगता है चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए हर्षवर्धन जी? नहीं, निश्चित तौर पर एक्शन लेना चाहिए। और जब कोई इतना वरिष्ठ नेता जो 7 बार से विधायक रहे हैं और उनकी स्थिति वहां इलाके में बड़ी मजबूत बताई जाती है, बहुत ज्यादा उनका प्रभाव है, ऐसे में अगर वो आज के दिन अपना चुनाव चिन्ह लगाकर और वो जा रहे हैं मत डालने, तो ये पूरी तौर पर संस्था का मजाक है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां चल रही है उसका मजाक है। और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए, नोटिस जारी करना चाहिए। क्या लगता है नवल किशोर जी, जब आप इतने मजबूत कैंडिडेट है, इतने हैवी वेट कैंडिडेट है, तो फिर ये आपको लगता है नादानी में हुआ या जानबूझ के हुआ? ये तो चुनाव में जो चीजें दिख रही हैं उससे हार की आहट तो उनको मिल चुकी है और यही कारण है कि घबराहट में उनको ये नहीं पता चल पाया है कि कानून क्या है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। चुनाव आचार संहिता तो बहुत दिनों से उनसे पाला पड़ा हुआ है, ये बात तो उनको मालूम होगी भी, लेकिन हमें लगता है कि जो घबराहट है वो हार की है। चलिए देखते हैं इस पर क्या चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा जाता है या प्रेम कुमार का अगला रिएक्शन क्या होता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर बताएं, एक बहुत बड़ी खबर, मुंगेर हिंसा का मामला थम नहीं रहा है। बिहार में इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। तेजस्वी ने जब पूछा कि पुलिस को गोली चलाने को किसने कहा, सीएम बताएं जनरल डायर कौन है, तो अब तेजस्वी के बयान के बाद चिराग ने जवाब दिया है और चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी जनरल डायर की भूमिका में है। समझिए, तेजस्वी पूछ रहे हैं कि जनरल डायर की भूमिका में कौन है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि जनरल डायर की भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सुनिए,
आप हाईकोर्ट से जज के जज से कह रहे हैं कि वो जांच करें और आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? नहीं नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट द्वारा, मॉनिटर जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, और ख़ासतौर पर इसमें प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हैं और मुख्यमंत्री, और क्योंकि गृह मंत्री हैं तो हम तो जानना चाहते हैं किसकी इजाज़त से जनरल डायर को जो बनने की अनुमति दी गई वहाँ के पुलिस वालों को, और जिस प्रकार से बर्बरता से मारा गया एक 12 साल के बच्चे को, सर में गोली लगी, उनका दोष क्या था? आपने कहा कि कहीं और से आदेश आया, कहाँ से आदेश था, किसकी तरफ इशारा कर? ये तो प्रशासन सरकार के लोग बताएं किसके आदेश पे गोली फायरिंग और लाठी चार्ज किया गया। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप इस पर? एकदम इस्तीफा तो देना ही चाहिए, लेकिन उनका पहला और आखिरी प्यार ही कुर्सी है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अपने सरकार को बर्खास्त करें। बहुत शुक्रिया तेजस्वी बात करने के लिए। टीवी 9 भारत से आपने सुना तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव का कहना कि वो हाईकोर्ट के जज से जांच की मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। मुंगेर में जो घटना हुई उसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से देखना यह है कि क्या ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है या नहीं। टीवी 9 भारत वर्ष के लिए पटना से मैं सुमेरा खान, कैमरामैन निशांत के साथ। ये कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था, किसको नहीं पता, बताइए मुझे। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है? और अगर ये लाठियां चली इस तरीके से, बर्बरता से उन लोगों को मारा पीटा गया, गोली तक चलाई गई, हत्या तक वहां पर की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गए। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो देखिए, बार बार मैं जिस बात को पूछ रहा हूं, एक बार फिर वो बात यहां पर दिख रही है। जनरल डायर की भूमिका में कौन है? तेजस्वी यादव पूछते हैं। जनरल डायर की भूमिका में नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान जवाब देते हैं, और दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कोई गठबंधन नहीं है। हर्षवर्धन जी, क्या समझ में आ रहा है? नहीं गौरव, इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा आपको ज्यादा कयास लगाने से। ये आप इसको समझिए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक दूसरे के साथ जाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, लेकिन उनका निशाना एक है और वो निशाना है नीतीश कुमार। इसमें एक जो सहूलियत की स्थिति है कि दोनों ये नहीं चाहते हैं कि आमने सामने बोले, क्योंकि मत निकालिए, लेकिन दोनों हमलावर तो नीतीश कुमार पर है। अभिषेक झा, चिराग पासवान हो, तेजस्वी हो, दोनों हमला तो आपके नेता पर ही कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अपने सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त? मैं ये कह रहा हूं कि चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव जी हो, दोनों परिवारवाद के प्रतीक नेता बिहार के, इनके पास नीतीश कुमार जी के को क्रिटिसाइज करने के अलावा और कोई काम नहीं है। कहीं भी किसी तरह की कोई घटना घटती है, प्रशासन चाक चौबंद है। जहां भी इस तरह की घटना घटी है, जांच चल रही है, जांच हो रही है, चाक चौबंद जो भी दोषी की घटना नहीं होती, प्रशासन से चूक हुई है, ये सब मान रहे हैं। आपके नेता भी मान के गए हैं, बीजेपी के नेता भी इसी पैनल में अभी मान के गए हैं। जांच चल रही है ना, जो भी दोषी हो, प्रशासन के लोग हो या फिर कोई आम आदमी हो जिसने इस तरह की हिंसा को भड़काया है, जो भी मामला रहा, इन सारे केसेस में जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में कानून का राज हम लोगों ने स्थापित किया है और जिन लोगों ने बिहार को जंगल राज, तो वो नहीं बख्शेगा ना जो सरकार में आएगा। अब तो वो नहीं बख्शेगा जो सरकार में आएगा, क्योंकि 10 तारीख को तो नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होता है, और मुझे लगता नहीं कि उससे पहले जांच पूरी हो पाएगी। असितनाथ, आपको लगता है उससे पहले जांच पूरी हो जाएगी? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि जांच पूरी होगी कि नहीं होगी, मुद्दा ये है कि मूर्ति विसर्जन हमने भी किया है, आपने भी किया है, मेरे मित्र अभिषेक ने भी किया है, और हम सब जानते हैं कि मूर्ति विसर्जन में पंडाल में जो पूजा करने वाली भीड़ होती है उससे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। ये परंपरा है हमारी, ये सनातन परंपरा है। मूर्ति विसर्जन में लोग जुटते हैं, बच्चे ज्यादा जुटते हैं, ज्यादा उत्साह में होते हैं। आप वीडियो देखिए, बच्चों ने मूर्ति को बचाने के लिए चारों तरफ से उस मूर्ति को घेर रखा है कि नहीं। लेकिन एक इसमें एक रिएक्शन और भी है जेडीयू के नेताओं का। अभिषेक तो नहीं बोल रहे, लेकिन मैंने इससे पहले बात की तो उसमें उनका कहना है कि चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है प्रशासन आचार संहिता के बाद, तो आप नीतीश कुमार पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप चुनाव आयोग से पूछिए। देखिए, ये एक सैद्धांतिक पक्ष है कि प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है, लेकिन आप भी गौरव पत्रकारिता कर रहे हैं, मैंने भी पत्रकारिता की है, और अभिषेक भी ये बात जानते हैं, और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जब तक नई सरकार चुन नहीं ली जाती तब तक प्रशासन पर
पुरानी सरकार का प्रभाव रहता है। आप जो बात कह रहे हैं इसको आगे बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है रामकृपाल जी, मैं चाहूंगा आप उस पर, आपके पास आऊंगा उसके बाद, लेकिन ये खबर बता दूं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लखीसराय में मतदान किया है और गिरिराज सिंह ने वोटिंग से पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, बिहार से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लखीसराय में आज जब वो वोट डालने पहुंचे तो कुछ दिक्कत भी हुई उनको, क्योंकि उसमें ईवीएम में कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन वोटिंग से पहले गिरिराज मंदिर पहुंचे, भगवान की शरण में प्रार्थना की, जरूर अपनी पार्टी के लिए प्रार्थना की होगी, क्या कहा उन्होंने इसके बाद वो सुनवाते हैं। ये राजराजेश्वरी के रूप में तो ये मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सबों को आना चाहिए। मैं जब भी होता है, चाहे अपने खुद चुनाव लड़ूं, तो यहां वोट डालने के बाद ही अपनी कंस्टिट्यूएंसी जाता हूं। तो चलिए, मताधिकार का इस्तेमाल सबको करना चाहिए, बहुत अच्छी अपील है, हम भी करते हैं कि सब अपने घरों से निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। मंदिर गए गिरिराज सिंह, ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन रामकृपाल जी, फिर से वही चिराग पासवान और तेजस्वी वाली बात पर आते हैं, क्या नीतीश कुमार अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि एक एनडीए में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चिराग पासवान ने फैला दिया। निश्चित रूप से देखिए, ये नीतीश जी के लिए तो सबसे कठिन लड़ाई है ही। मैं एक और बात कर रहा हूँ कि देखिए, चिराग पासवान का एक और बयान चल रहा, हालांकि उसको बहुत सीरियसली लोग अभी नहीं लेंगे। वो कह रहे हैं कि आने वाली सरकार जो होगी बीजेपी और एलजेपी की होगी। देखिए, बहुत उसमें मत जाइए गंभीरता से, लेकिन जैसा मैंने एक बात कहा, बीजेपी बिहार और बंगाल ये तय जान लीजिए, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी कभी किसी भी स्टेट को ऐसे नहीं छोड़ देती है कि नीतीश के लिए छोड़ देंगे या फलाना के। 2015 का याद रखिए, तो आज चाहे जो भी हो, बहुत खुल करके नहीं कह रहा हूं, 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे क्या तय करेंगे कि कौन बिहार का चेहरा होगा कौन नहीं होगा, ये तब तय होगा। आज की तारीख में बीजेपी स्ट्रेटजी ठीक उसकी रही है, अगर अभी हम नीतीश को नाराज कर देंगे हो सकता है 2015 वाली स्थिति हो। नहीं तो इसको लेकर आप मतदाता क्या सोचता है, इस बारे में भी हमें जानकारी करनी चाहिए। मुझे लगता है रूपेश के पास चलते हैं, रूपेश ग्राउंड पर है। मैं सिर्फ एक बात पूरी कर लीजिए, बिहार में देखिए मूलतः तीन फाक है, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बीजेपी। इसमें से जो भी दो गुठलियां मिल जाती हैं वो करीब करीब 35-40% हो जाती हैं और वो जीत जाती है। ठीक है, रही बात इस बार जैसा कि हर्षवर्धन ने भी कहा, चिराग पासवान फैक्टर क्या गुल खिलाता है, ये बहुत कुछ हद तक वो 10 तारीख को। मैं यही सवाल लेके जा रहा हूँ रूपेश के पास, सर आता हूँ अब आपके पास। रूपेश, यही सवाल है, एनडीए का जो वोटर होगा, क्योंकि सीटें बटी हुई हैं, कहीं पर जेडीयू के कैंडिडेट हैं, कहीं पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के तो साथ खड़े चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ हैं, तो एनडीए के वोटर का मन टटोला है क्या आपने, क्या वो भी कंफ्यूज है इसकी वजह से? देखिए, आज 35 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है और 41 सीटों पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार दिए हैं। आज अगर सिर्फ 71 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, अगर उसकी चर्चा करें तो, और जेडीयू के जहां जहां कैंडिडेट हैं वहां वहां एलजेपी के कैंडिडेट हैं, और ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने में, या जो विपक्ष भी ये कह रहा है कि जहां पर बीजेपी नहीं है वहां बीजेपी का मतलब एलजेपी, और चिराग पासवान जो खुद को हनुमान जो कह रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी को सुनिए, उनकी रैली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी पहुंचे और मुख्यमंत्री, पहली बार जब सासाराम में जब रैली हुई दोनों की संयुक्त, उस समय कहीं ना कहीं जेडीयू बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री पहली रैली में ही ये स्पष्ट कर देंगे कि, बोलिए बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जेडीयू को भी ये उम्मीद थी, जेडीयू को ये उम्मीद थी और खुद नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि अपनी पहली रैली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से यह स्पष्ट कर देंगे कि एनडीए में एलजेपी नहीं है और उनके साथ हमारा ना तो कोई गठबंधन है और ना ही जहां जहां बीजेपी नहीं है वहां बीजेपी का मतलब जेडीयू ही है। इसके अंतर नरेंद्र मोदी ने मंच से रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे दी कि हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी फिर और बड़ा हो रहा है रूपेश, फिर वही सवाल है कि एनडीए का वोटर क्या करेगा, जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट खड़े हैं वहां पर एनडीए का वोटर क्या करेगा, सवाल यही। अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, गोह विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 33% मतदान हुआ है, सूर्यगढ़ा सीट पर भी बंपर वोटिंग चल रही है, सूर्यगढ़ा लखीसराय में, और अब तक 25% मतदान हो चुका है यहां पर। तो देखिए,
आपको इन सीटों की तरह ही अपनी सीट पर भी मतदान करना है, जहां जहां आपका वोट है, जहां जहां आपके मताधिकार है, जिस सीट पर जाइए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए अगर आपके यहां आज चुनाव है तो। क्योंकि देखिए गो और सूर्यगढ़ा यहां दो सीटों के मतदाता एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और एग्जाम्पल यहां पर सेट कर रहे हैं कि कैसे वोट कर। अभी 4.25 घंटे का वक्त हुआ फिर भी इतनी अच्छी वोटिंग चल रही है। लेकिन अभिषेक देखिए फिर वही सवाल है। अच्छा अभिषेक नहीं है, हर्षवर्धन जी तो मैं आपसे ही ले लेता हूं एक रिएक्शन। वही सवाल है, एनडीए का वोटर चिराग पासवान की वजह से कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यहां पर देखिए आसिफ नाथ हैं, ये कह रहे हैं कि लोजपा के कैंडिडेट लोजपा के नहीं है, वो बीजेपी के हैं। इसका मतलब अगर इनकी बात माने तो बीजेपी की बी टीम जेडीयू के खिलाफ खड़ी हुई है। नहीं गौरव, मुझे लगता है कि एक बात हम लोग बार बार जो कह रहे हैं कि एनडीए का वोटर भ्रमित है, वो भ्रमित नहीं है, उसका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर है। और आप इसको दो तरह से देखिए, एक तो ये देखिए कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी के मतदाता को बहुत तगड़ा धक्का लगा था नीतीश कुमार के लालू जी के साथ जाने से, नंबर एक। नंबर दो ये कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटों पर हार गई थी जो भाजपा की बड़ी पक्की सीट थी, लेकिन नीतीश जी लालू जी मिले तो वहां भाजपा के मतदाता को धक्का लगा और वो सीट राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस या जदयू के पास चली गई। नंबर तीन चीज ये है, जो जेडीयू के खिलाफ लड़ा था भाजपा का प्रत्याशी, उन्हीं में से लोग हैं जो लोक जनशक्ति में गए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का मतदाता एकदम फोकस्ड है, उसको पता है कि जहां विकल्प नहीं है वहीं वो जेडीयू के पास जाएगा, वरना वो लोक जनशक्ति के पास वोट करने के लिए जा रहा है और ये बहुत साफ दिख रहा है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो आसिफ नाथ तिवारी, यहां तो बीजेपी, फिर तो जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं, फिर तो बीजेपी कहीं आ गए इस गेम में। नहीं देखिए हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आपके रिपोर्टर को मैं सुन रहा था और अभी नहीं सुन रहा था, इस कार्यक्रम में बैठने के पहले भी मैं आपका ही चैनल देख रहा था जी। और आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि एनडीए का वोटर कंफ्यूज, देखिए उसकी वजह क्या है वो समझा रहे थे और उन्हीं की बात मैं आप तक बता रहा हूं। जो जेडीयू का वोटर है वो तो बीजेपी को वोट करता दिख रहा है, लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वो कहीं भी जेडीयू को वोट करता नहीं दिख रहा। बीजेपी ने अपना वोट जेडीयू को ट्रांसफर ही नहीं कराया। ये तो बीजेपी को क्या फायदा होगा, सरकार अगर जेडीयू हार जाएगी तो बीजेपी के अपने दम पर सरकार बना लेगी, बीजेपी को भी तो नुकसान ही है इससे अगर उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो। देखिए राजनीति क्षणिक खेल नहीं है और राजनीति सिर्फ एक चुनाव में सत्ता हासिल करने का भी खेल नहीं है। राजनीति में रणनीति बनाई जाती है और वो लंबे दौर के लिए बनाई जाती है। और आप बिहार का चुनाव देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ ही रही है नीतीश कुमार को निपटाने के लिए। कांग्रेस की विवेचना है, कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन है रामकृपाल जी, लेकिन मुंबई में हमने देखा था कैसे शिवसेना और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी, शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी और धीरे धीरे बीजेपी ने कैसे शिवसेना को छोटा भाई बना दिया। क्या बिहार में भी आप वैसे कुछ देख रहे हैं क्या? यही तो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना से एक तरह पंगा लेकर के अमित शाह ने पूरे महाराष्ट्र की सीटों पर पहली बार बीजेपी को उतारा और उसका देखिए फायदा मिलता है। पहली बार बीजेपी की फुलसर सरकार बनी, जो भी है एक तरह से बीजेपी आई। ऐसे मैं कह रहा हूं कि दो स्टेट जो बिहार और बंगाल बची हुई है, कांग्रेस के अभी प्रवक्ता जो बात कर रहे थे उसमें कुछ हद तक ये सच्चाई है। देखिए कोई भी पार्टी हमेशा ये चाहेगी कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में कभी राष्ट्रीय पार्टी की सरकार बने। ऐसे ही बंगाल और बिहार, ये रही बात इस बार के इलेक्शन की है, एक स्ट्रेटेजिक था तो उन्होंने नीतीश को कहा कि भाई यही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी को डर था कि नीतीश कहीं चले जाएंगे फिर आरजेडी और जेडीयू हो जाएगा, उसमें बीजेपी सफल रही है। लेकिन एक जिस तरह से चिराग पासवान की जो भूमिका है, मैं अभी भी कह रहा हूँ हर्षवर्धन जो अभी कह रहे थे, मैं उस बात में बहुत सच्चाई मानता हूँ। देखिए 10 तारीख को पता ही चलेगा सीटें कितनी मिलती है, इस पर आप छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी कही थी हमारे रुपेश ने, सर एक बात बड़ी अच्छी कही थी रुपेश ने कि चिराग पासवान जिनको मौसम वैज्ञानिक की उपाधि दी गई थी उनके उत्तराधिकारी हैं, तो कुछ गुण तो उनमें भी आए होंगे। अब देखते हैं 10 नवंबर को उसके बाद क्या होता है, 10 नवंबर को क्या कुछ देखने को मिलता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, महा कवरेज हमारी इलेक्शन पर जारी है बिहार के इलेक्शन को लेकर, तुरंत लौटते हैं, आप रहिए हमारे साथ।
यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।